हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ वर्षा। आज मैं ब्रेड ऑमलेट बनाने वाली हूँ, तो देखते हैं उसके लिए क्या क्या लगता है। यहाँ पे मैंने दो अंडे लिए, चार ब्रेड स्लाइस, 2 से 3 चम्मच तेल, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे मैंने बारीक किया हुआ लहसुन और हरी मिर्ची ली है। तो लहसुन की 2 कलियाँ ली थी और हरी मिर्ची 2 ली थी, तो इन्हें मैंने मिक्सर में बारीक कर लिया था। तो बनाते हैं ब्रेड ऑमलेट। सबसे पहले हम अंडे का घोल तैयार कर लेंगे, इसलिए मैंने एक छोटा बर्तन लिया है, बाउल लिया है। तो इसमें अंडे फोड़ के डालेंगे। अंडों में प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची और लहसुन जो बारीक किया था, हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर, और नमक स्वाद के अनुसार। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने मिक्स कर लिया है, अभी चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके तवा गरम करने के लिए रख दिया था, तो अभी तवा गरम हो चुका है। तो हम सबसे पहले ब्रेड गरम कर लेंगे, हल्का सा सेक लेंगे। तो अभी मैंने तवे के ऊपर 1 चम्मच तेल डाला है और एक एक दो दो ब्रेड स्लाइस हम सेक लेंगे अच्छे से। मैंने ब्रेड को दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है, तो अभी इसे निकाल लूंगी और बाकी जो 2 ब्रेड है वो भी इसी तरह से सेक लूंगी। अभी सेम पैन पे तवा पे हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, जो हमने अंडे का घोल बनाया था वो डाल देंगे। और इसे चम्मच से थोड़ा अच्छे से फैला लेंगे। और इसे नीचे के साइड से मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक पका लेंगे हम। और जो हमने ब्रेड स्लाइस हल्के से सेक लिए थे वो इसके ऊपर ऐसे रख के उल्टा करके रख देंगे, और सेम दूसरा भी कर देंगे और उसे ऐसे प्रेस करेंगे। अभी ऑमलेट को इसे अच्छे से निकाल लेंगे और इसे अच्छे से टर्न कर देंगे। देखो, नीचे के साइड से अच्छे से ब्रेड ऑमलेट सेक चुका है। अभी 1 मिनट हो चुका है, नीचे के साइड से भी पक चुका है ऑमलेट। तो अभी ये जो साइड के भाग है वो ऐसे ब्रेड के ऊपर फोल्ड कर देंगे, और जो हमारे दूसरे ब्रेड स्लाइस है वो उसके ऊपर रख देंगे। प्रेस करेंगे, इसे दबाते जाएंगे ऐसे। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है अभी, और इसे टर्न करेंगे। देखो, ब्रेड भी अच्छे से सेक चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसे। अभी दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे आधा से एक मिनट हो चुका है। तो अभी ब्रेड ऑमलेट हमारा रेडी है, और जो ये बीच का भाग है उसे ऐसे कट कर देंगे, जैसे सेपरेट हो जाएगा ये दोनों। तो अभी ये रेडी है, तो एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो रेडी है हमारा ब्रेड ऑमलेट। तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।